चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये चुनाव 4 चरणों में होंगे। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर 15, 19, 26 और 29 अप्रैल मतदान होंगे, जबकि चुनाव के परिणाम 2 मई को आएंगे। चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान में 18 जिले, दूसरे चरण के मतदान में 20 जिले, तीसरे चरण के मतदान में 20 जिले और चौथे चरण के मतदान में 17 जिले शामिल किए हैं। आपको बता दें कि नए आरक्षण को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई है, जिसमें उसने 2015 को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में आरक्षण देने का आदेश दिया था। साथ ही 25 मई तक पंचायत चुनाव कराने को कहा था। यहां अब आपको ये भी जानना चाहिए कि किस चरण में किन किन जिलों में मतदान होने हैं। पहले चरण में सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर, भदोई में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी, आजमगढ़ में लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे। तीसरे चरण में शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया में मतदान होगा। चौथे चरण में बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फरुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अम्बेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र और मऊ में वोट डाले जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।